हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड सुभाष में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का भविष्य एवं अवसर। क्या इस विज्ञान में, जीव विज्ञान में अपना भविष्य किस प्रकार, किन डिग्रियों के द्वारा बना सकती हैं, वह कौन कौन से अवसर है कि अपना भविष्य अच्छा बनाए। आज विज्ञान का क्षेत्र एक चिकित्सा विज्ञान है जो बहुत अग्रसर है। यह विज्ञान का सर्वोत्तम व अच्छा क्षेत्र है। खासकर जो विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखते हैं वो चिकित्सा विज्ञान में ही जाना चाहते हैं, पर चिकित्सा विज्ञान के अलावा और भी क्षेत्र है जिनमें हम अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे कि कृषि विज्ञान है, इसमें भी बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं। फोरेंसिक विज्ञान भी है, इसमें क्राइम, साइबर क्राइम आदि के बारे में भी जानकर अपराधियों का पर्दाफाश यानी अपराधियों को पकड़कर अपना भविष्य मतलब बना सकते हैं, अच्छा भविष्य बना सकते हैं। और भी है जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, आज के टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान का भविष्य एवं अवसर। क्या है जीव विज्ञान का भविष्य एवं अवसर? ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान का भविष्य एवं अवसर। क्या जीव विज्ञान के विषय में के जीव विज्ञान के विषय जीवन के रूपों को बृहद रूप में समझने की जागृति उत्पन्न करता है, जिसको कि प्राय अनदेखा नहीं किया जा सकता। जीव विज्ञान विषय का अध्ययन उज्ज्वल भविष्य एवं अवसर को अग्रसर करता है। इस विज्ञान का मुख्य क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान है, जैसा कि मैंने आपको बताया चिकित्सा विज्ञान है। इसके अतिरिक्त और भी क्षेत्र है जिनमें हम अध्ययन करके अपना भविष्य सुचारू या भविष्य का अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी डिग्री हासिल करके अपना भविष्य चमकदार बनाए। ठीक है, पहला है कृषि विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में जीव विज्ञान के विद्यार्थी डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोर की उपाधि कर, जैसे स्नातक बीए, बीबीए, बीसीए आदि डिग्री हासिल कर अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जैसे मुर्गी पालन, ठीक है, और है कृषि विधि, मुर्गी पालन, कृषि विधि, कृषि आर्थिक एवं प्रबंधन, कृषि आर्थिक एवं प्रबंधन, सांख्यिकी, कृषि मार्केटिंग, डेयरी विज्ञान, डेयरी विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, सस्य विज्ञान आदि बहुत सी है, जिसमें हम जैसे कि फसल कार्य की, फसल कीट विज्ञान, कृषि जैव रासायनिक, कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये कृषि से रिलेटेड विज्ञान है जिसकी डिग्री हासिल कर हम अपने
कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकती हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। इसमें यह है कि विज्ञान अपराधों से संबंधित है, यह विज्ञान अपराधों से संबंधित है। कौन सा? फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में, फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में यह अपराधों से संबंधित है, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला में जांच के द्वारा अपराध करने वाले अपराधों की पुष्टि की जा सकती है। जैसे कि उसके ब्लड की जो कोई प्रूफ या कोई बच जाता है, उसकी छानबीन करके उसके ब्लड से इमेज करवाकर प्रयोगशाला में जांच करके अपराधी की पुष्टि कर सकती हैं। जीव विज्ञान के विद्यार्थी अपने सुनहरे भविष्य हेतु फिंगरप्रिंटिंग, साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर क्राइम, फोरेंसिक व कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं, और क्रिमिनोलॉजी विषय में स्नातक की डिग्री अर्जित कर सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में, सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें क्या है कि जीव विज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह सूक्ष्म विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष अवसर है। रोगों की रोकथाम, रोगजनकों की पहचान, क्या है रोगों की रोकथाम, और रोगजनकों की पहचान कर तथा प्रतिजीवी बनाने में इस विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे कि चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालयों में सूक्ष्म जीव विज्ञानी के अनेक पद होते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी सूक्ष्म जीव विज्ञान में पास कोर्स व ऑनर्स तथा औद्योगिकी सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीबीए आदि, और स्नातकोत्तर मतलब एमए, एमटेक, एमसीए आदि कोर्स करके सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह विज्ञान नया है या नवीनतम है, इसे नवीनतम कह सकते हैं। इसमें विद्यार्थी अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इस क्षेत्र में विद्यार्थी जैव प्रौद्योगिकी व जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी में बीई व जैव रसायन में बीटेक कर सकते हैं। इसमें बीई व बीटेक की डिग्री हासिल करके अपना भविष्य बना सकते हैं। पांचवा देखते हैं, पांचवा खाद्य एवं
भूगर्भ विज्ञान में इंजीनियरिंग, भूगर्भ विज्ञान एवं भूजल विज्ञान में स्नातक व स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर व स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर अच्छा भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, किस में? भूगर्भ विज्ञान में। तो फिर से देखते हैं, पहला है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें मुर्गी पालन, कृषि प्रबंधन, कृषि विज्ञान जैसे कृषि विधि, कृषि आर्थिक प्रबंधन, कृषि सांख्यिकी एवं मार्केटिंग, डेयरी विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, सस्य विज्ञान और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और इसमें डिप्लोमा स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त करके कर सकते हैं। दूसरा है फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में, फोरेंसिक यह अपराध के तौर पर होता है जो प्रयोगशाला में जांच के माध्यम से अपराधी की पुष्टि कर सकते हैं। इसमें साइबर क्राइम, कंप्यूटर विज्ञान और फोरेंसिक कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त कर भी स्नातक की डिग्री अर्जित कर भी कर सकते हैं। और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, कौन से? सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें रोगों की पहचान, रोकथाम, रोगजनकों की पहचान कर चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं व अपना भविष्य बना सकती हैं। चौथा देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसमें बीई, बीटेक और क्या है स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैव प्रौद्योगिकी में बीई व बी रसायन में बीटेक कर भी भविष्य बना सकते हैं। और पांचवा है खाद्य एवं तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में, खाद्य एवं तकनीकी विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें भोजन को कितने लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं इनके बारे में अध्ययन होता है। और इस क्षेत्र में क्या है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं करके डिप्लोमा करके और तकनीकी में डिप्लोमा करके इसका भी लाभ उठा सकते हैं एवं खाद्य तकनीकी विज्ञान में और अपना भविष्य बना सकते हैं। और अगला है छठा भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें क्या है कि विद्यार्थी भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत वातावरणीय भूगर्भ विज्ञान में इंजीनियर, भू विज्ञान एवं भूजल विज्ञान में स्नातक व स्नातकोत्तर डिप्लोमा व स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर अच्छा भविष्य बना सकती हैं। ठीक है, और इसमें बस इतना ही। अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।